अपनी लोगों के हृदय में राज करने वाले माननीय परम पूजनीय जिला पंचायत सदस्य हमारे आदरणीय पंकज उपाध्याय जी हमारे मंदिर में बीच में बैठे हैं, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। नेता ऐसा हो, नेता ऐसा हो, कोई कहा ना कि हमको जा, हमको कौन समय मिला नहीं तो हम चुनाव जीत जाते। हमारे पंकज उपाध्याय हमारे नेता जी के समझा सुगरी का बर्दवा समय देता ग्राफ से जहां से चाह तहां से लड़ा दिए। ऐसा होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए कि जहां से जिसे या फिर मेरे जमुने धरती पर वही जय विजय का पताका पहले ये कहेगा कि हम यहाँ पर नहीं हमारे हमारे बिरादरी यहाँ कौन है, एक कोई मतलब नहीं। नेता हो कि जहां से लड़े जहां मौका मौका कायरता का निशानी है। हमारे पंकज उपाध्याय नेता जी में ऐसा विचार नहीं आता है, न आएगा कभी। मान सम्मान धरती पर से पढ़ के कुछ हो पूजे है ये ना, जीवन में कुछ विसारत है नहीं। होनहार वृक्षों के अंदाज मिलता विमल लहलाती हरी पत्तियों से, होनहार वृक्षों के अंदाज मिलता विमल लहलाती हरी पत्तियों से, अखिलती है पुष्पावली गुलशनों में लगाकर कुटिल कांटों को छातियों से। पाव पलने में झलक जाना। महफिल में सबके सामने स्वागत है आपका, दरिया दिले नमन में स्वागत है आपका, भूखे गरीब की दुआ सर आपको लगे, अरे हारो के हर सुमन से स्वागत है आपका। हमारे सिपाही नेता हमारे नवोदित नेता बड़े ही कुशाग बुद्धि के, बड़े ही बुद्धि विवेक के प्रखर, बड़े ही ओजस्वी, बड़े ही तेजस्वी, बड़े ही यशस्वी, ऐसा नेता हमने देखा नहीं मित्रों। अब कसा कहते ना कि अक्कर पीस है ये, तो चाचा ने आओ तो हमने बात आगे बढ़ाया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक धरती ग्राम सभा नुमाव के छिरहिया मौजा में बाबा भोलेनाथ के दरबार में आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के बीच में आज हम लोगों के पिता तुल्य, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय थी ज्ञान सुंदर चाचा के पिताजी, जो कि वास्तव में शांत थे, जिनकी ये इच्छा थी कि हमको इस तमाम प्रथाओं से अलग करके हमें प्रवाहित किया जाए और हमारे जितने जानने वाले लोग हैं उन सबको इस श्रद्धांजलि सभा में बुलाकर इकट्ठा किया जाए। तो धन्य है वह मां की कोख जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। आप सभी लोगों ने इतना हर्षोल्लास के साथ उनका पूरा सारा कार्यक्रम सारा क्रियाकर्म जो इतने श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ किया है, आज लगभग 2,500-3,000 लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया है। हम बाबा भोलेनाथ से ये कामना करते हैं कि हे भूत भवन प्रभु भगवान, आप जहाँ भी हमारे पिताजी हो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनका भी आशीर्वाद हम सभी उनके जो पुत्र समान सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं सबके सर पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी कामनाओं के साथ दोस्तों बहुत ज्यादा आपका समय न लेंगे। माता पिता इंसान के ऋण पर तमाम ऐसा ऋण होता है जिससे इंसान ऋण हो जाता है, लेकिन मात्र और पितृ ऋण ऐसा होता है वह माँ जो बच्चे के 9 महीने कोख में पालती है, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है
बच्चे को गीले में लेटाकर, उस बच्चे को सूखे में लेटाकर गीले में लेट जाती है माँ। लेकिन इस समाज की जो विडंबना है साथियों कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। तीन तीन चार चार बच्चों को बर्तन माज माज कर पाल लेती है एक माँ। तीन तीन चार चार बच्चों को बर्तन माज माज कर पाल लेती है एक माँ, मगर तीन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। और माँ अपने अगल बगल जाके अपने पड़ोस में महिलाओं के साथ बैठकर रो लेती है, अपनी बात को कह लेती है, लेकिन बाप ये उनका स्थान समाज में रामधनी भैया आकाश से भी बड़ा दिया गया है। आकाश से भी बड़ा पिता होता है और इस धरती पर मात्र एक ऐसा पिता होता है जो चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे भी आगे निकल जाए। बाकी ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता है कि हमारा हमसे कोई आगे निकल जाए। और वह बाप आज इस समाज की विडंबना है, लड़का अपने बाप से कह देता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। वह बाप भैया बस दूर रख मेरे, वह बाप जब हम लोग पढ़ने पढ़कर स्कूल से आते हैं, बाप उस ठंडी रात में, उस बरसात के रात में नंगे पांव डांड मेल पर जाकर खेत की सिंचाई करता है, पैर में सीता, पैर में घोंघा, पैर में कांटा गड़ जाता है और 50 रुपए अपने जेब में रख कर सोचता है कि कल बाजार जाएंगे तो एक जोड़ी जूता खरीदने का काम करेंगे। लेकिन जब लड़का रोते हुए स्कूल से शाम को घर आता है और कहता है कि पिताजी अगर हमारी फीस नहीं भरी गई तो हमारा नाम काट दिया जाएगा, वह बाप हम बोल नहीं पा रहे हैं। वह बाप जो अपने सीने पे पत्थर रख के अपने तमाम आवश्यकताओं को निचोड़ कर दबा कर उस 50 रुपए से हमारे आपकी फीस को भरकर समाज में खड़ा होने लायक बनाया है। वह बाप उस बाप के लिए जब लड़का कह देता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, वह दिन दूर नहीं साथियों जब हमारा लड़का भी हम लोगों से कहेगा, निश्चित तौर पर जो आप बोएंगे वही काटेंगे, जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल नहीं मिलेगा, और जब आप अपने बाप से कहेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है तो आपका लड़का भी आपसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हमेशा अपने माता पिता की सेवा करिएगा, हमेशा अपने बड़ों का आदर करिएगा और जात बिरादरी छोड़कर हमेशा बड़ों का सम्मान करिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बाबा भोलेनाथ के दरबार में आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हिंद जय समाज। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आप यही जामुन दुनिया तारी भी उठा रहे हो तो जयकारा टाइट लग जाए। नमः पार्वती पते हर हर। बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई पंकज उपाध्याय जी, हमें आंखें नम हो गई सचमुच में। माँ की ममता, पिता की ममता, आपको आपने कुरेदा और माता पिता से बढ़कर के धरती पर तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी पूंजी है। चंद शब्दों में आपने बिठाया है, मुझे ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला, फलाने के बोले ही, फलाने नेता के बोले ही नहीं, लेकिन हमें हम मुझे अब तक ऐसा सुनने को नहीं मिला मित्रों कि पंकज उपाध्याय नेता जी इनकी बराती में नहीं रहती, यहाँ नहीं रह, यह मुझे सुनने को नहीं मिला। यह आपकी उदारता है, सच्चाई आपकी सच्चाई है। आप में दुर्गा पूजा हो, जब भी हो, पूरे 9 दिन नरातों में 10 जगह बुलाई, 1 मिनट सही हर जगह जा चाहते हैं, हर जगह शादी में विवाह में एकदम रात दिन जागते रहते हैं, यही यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि हम किधर से लड़े, यहाँ जनता सोच रही कि हम पंकज भैया कहीं हम नहीं होते और आ जाता तब तो मजा आ जाए, कहीं से भी लड़े। इनके लिए चारों तरफ धरती पर पूरे भूमंडल में
दरवाजा खुला है मित्रों, ऐसा नेता हम लोग पाकर अपने आप को गौरवान्वित है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सुंदर पुरस्कार के साथ 500 रुपए का पुरस्कार हमें सम्मान देकर के हमारा सम्मान बढ़ाए प्रभागणी परम पूजनी परम वंदनी जो भी कहा जाए साथियों, बड़े ही ओजस्वी बड़े ही तेजस्वी बड़े ही यशस्वी कुशाग्र बुद्धि के नेता, कुशाग्र बुद्धि कुशाग्र जन कुशाग्र बुद्धि कहला कुशाग्र जन मोहिन का जंग उतना तेज दिमाग जनता के सेवा करे में रखल पंकज भैया जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम है।